हेलो दोस्तों, नमस्कार। शिव शक्ति टेक्निकल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में हम इस तरह का फ्लड लाइट जो खंभे पे लगाया जाता है, घर में भी लगा सकते हैं, तो इसमें क्या क्या दिक्कत है, इसको हम रिपेयर करेंगे। ये देखिए हमारा ASLP 45 वाट है, तो इसको रिपेयर करना है। यहाँ पर चलिए चेक करके आपको दिखाते हैं कि ये जल नहीं रहा है। यहाँ पर सप्लाई देते हैं तो इसको यहाँ पर लगाएँगे। ऐसे ही लगाते हैं तो हमारे जलता नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई सूचना नहीं आ रही है। तो चलिए इसको हम रिपेयर करते हैं। रिपेयर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर इसके जितने स्क्रू है सबको खोल लेना है। इस तरह से इसके सारे स्क्रू को यहाँ पर खोल लेना है। चलिए इस फटाफट खोल लिए। अब यहाँ पर इसको कैप को यहाँ पर को निकालना है। इस तरीके से निकालने के बाद आप देख सकते हैं इसमें ये हमारा MCPC का प्लेट लगा हुआ है और यहाँ पर एक एडाप्टर लगा हुआ है जो पूरी तरह से पैक रहता है। आप देख सकते हैं हर कंपनी का अलग अलग एडाप्टर होता है। तो यहाँ पर हमारा 45 वाट ड्राइवर सेंसर, मतलब इसमें सेंसर भी लगा हुआ है। यहाँ पर हम रिपेयर करेंगे। ये हमारा दो वायर जो लाल और काला वाला है, यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ है। आप देख सकते हैं ये सेंसर। इस सेंसर में क्या होता है कि जैसे ही हमारा अंधेरा होता है तो सेंसर जो है अंधेरे को कैच करके यहाँ पर इस लाइट को चालू कर देता है। तो इसमें सेंसर भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर एडाप्टर जो हमारा सप्लाई आगे नहीं दे रहा है। चलिए इसको हम फटाफट चेक करते हैं कि सप्लाई आगे यहाँ पर दे रहा है कि इसमें ड्राइवर में फॉल्ट है कि MCPCB में। तो यहाँ पर हम पहले इसको सप्लाई देते हैं। सप्लाई देने के बाद यहाँ पर ऑन करते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमको मल्टीमीटर की आवश्यकता होगी जिससे हम इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मल्टीमीटर को रेंज पे कर लेंगे 200 DC, क्योंकि इसमें आउटपुट 45 वाट है तो 200 के ऊपर ही आउटपुट देता है, 150 के भी ऊपर देता है। तो चलिए यहाँ पर एक हमारा प्रोब टूट गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हो सकता है सप्लाई सही से लगी ना हो। तो यहाँ पर पहले सप्लाई को सही लगाते हैं। तो यहाँ पर एक वायर लगा के अब यहाँ पर प्लग को यहाँ पर सप्लाई देते हैं, क्योंकि इसका वायर छोटा था और इसमें कनेक्ट होता है कि नहीं पता भी नहीं चलता है। अब यहाँ पर लगा दिए हैं। अब इसको यहाँ पर चलिए DC 200 पे यहाँ पर सप्लाई चेक करते हैं। तो यहाँ पर कोई सप्लाई नहीं शो कर रहा है। हो सकता है इसका एडाप्टर ख़राब हो। इसको पहले यहाँ पर निकालेंगे सप्लाई को। उसके बाद यहाँ पर इस एडाप्टर पे हमारा जो दो वायर यहाँ से आया हुआ है इसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। इसको वायर को, ये एडाप्टर का कनेक्शन था, अब इसको यहाँ पर निकाल लिए। अब यहाँ पर दूसरा एडाप्टर लगा के चेक करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये एडाप्टर है। यहाँ पर इसका प्लस और माइनस के यहाँ पर लगेगा। तो पहले इसको हम लगा के यहाँ पर चेक करते हैं। हो सकता है ड्राइवर में ही फॉल्ट हो, क्योंकि सप्लाई नहीं दे रहा है। तो प्लस वाला प्लस में, माइनस वाला माइनस में लगाएंगे। चलिए एडाप्टर इसको हम लगा दिए हैं। जितने वाट का है ये उतने वाट का यहाँ पर एडाप्टर आपको लगाना है। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको सीधे यहाँ पर सप्लाई देते हैं बोर्ड में। तो इस तरह से यहाँ पर लगाते हैं। लगाने के बाद हमारा जो फ्लड लाइट है वो चालू हो गया। इसका मतलब हमारा जो मेन फॉल्ट है इसमें दो ही चीज़ होते हैं, एक MCPC प्लेट और एक एडाप्टर। एडाप्टर हमारा जितना वाट का उतना वाट का हमको ये एडाप्टर लेना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हम इसको जो यहाँ पर दो सप्लाई आया हुआ है यहाँ पर, इस सप्लाई को यहाँ पर निकाल के इसमें हम ये दूसरा वाला एडाप्टर को लगाएंगे। आप चाहें तो इतना बड़ा भी लगा सकते हैं, और हमारे पास ये वाला है तो इसको भी हम लगाएंगे, क्योंकि जितने वाट का ये है उतने वाट का ये भी है एडाप्टर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा 45 वाट का ड्राइवर है, सेंसर वाला है, इसमें सेंसर नहीं है, क्योंकि सेंसर वाला अलग से मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक वाहन पे जल्दी नहीं मिल पाता, एक कंपनी ही खुद लगा के देती है। तो हम यहाँ पर सेंसर का कनेक्शन हटा देंगे, क्योंकि सेंसर का कनेक्शन यहाँ पर जो हम ड्राइवर लगा रहे हैं इसमें नहीं दिया है।
सेंसर का कनेक्शन हटा के इसको टेप मार के अंदर पैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर इसका मेन जो वायर हमारा आया है, मेन वायर को यहाँ पर कनेक्ट करना होगा। चलिए इसको हम यहाँ पर कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर कनेक्टर को यहाँ पर निकाल लिए हैं, एक कनेक्टर और इसको भी खोल लेते हैं। इस तरीके से हमारा दोनों अडाप्टर का वायर मेन प्लस और माइनस जो एसी इन वाला है, यहाँ पर हमारा एसी सप्लाई आता है। नेगेटिव पॉजिटिव दो वायर लगे हुए हैं, ये हमारा एसी है, मतलब यहाँ से हमको सप्लाई सीधे अडाप्टर में जाता है। यहाँ से इसको हम ड्राइवर को यहाँ पर जोड़ते हैं प्लस और माइनस को, जिसे एमसीपीसी हमारा चलता है। तो ये ड्राइवर हमारा जो है, अब अंदर से इसको रिपेयर करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इसमें जो कंपनी है इसको पूरी तरह से सेफ्टी से पैक करती है। तो इसको यहाँ पर रखते हैं साइड में। अभी हमारा नया वाला अडाप्टर यहाँ पर लगाएंगे। कनेक्शन बहुत ईजी है, अब देख सकते हैं मेन वायर हमारा दोनों है। इसमें से आप चाहें तो लाल वाला लाल में लगाइए, और जो हमारा काला वाला यहाँ पर दिया हुआ है, काला वाला में हमारा ये नीला है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हमारा एक वायर जो है फेस का है, एक वायर हमारा न्यूट्रल का है, दोनों वायर हमारा इस अडाप्टर में जाएगा। बहुत सिंपल, आप घर पे इसको लगा सकते हैं। और ये आपको मार्केट में हैलोजन खरीदने जाएंगे तो आपको कम से कम 1000 का लग जाएगा। अगर ये अडाप्टर आपको लगा लेंगे तो आपका ये चालू हो जाएगा। ये प्लेट भी अलग से आते हैं और इसका अडाप्टर भी अलग से आता है। अब इसको यहाँ पर दोनों वायर को जोड़ लिए, अब यहाँ पर इसके कैप को लगा देंगे, जिससे क्या कि कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्योंकि तो ये हमारा जो जॉइंट है, एक कनेक्टर को यहाँ पर लगा दिए हैं, कैप को इसको भी लगा देंगे, जिससे हमारा सेफ्टी रहेगा। यहाँ पर जो आप टिप लगाते हैं उसके जगह कंपनी है, यहाँ पर कैप लगाई है जिससे शॉर्ट सर्किट ना हो। इस तरह से हमारा दोनों सप्लाई जो मेन हमारा लग चुका है, अडाप्टर भी यहाँ पर है। अब इसको यहाँ पर डबल टेप से अच्छे से फिक्स कर लेंगे। बस इसमें आपका ये सेंसर का कनेक्शन है, इसको हम यहाँ पर कनेक्शन नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें जो अडाप्टर है इसमें सेंसर का कनेक्शन नहीं दिया है। तो इसको अच्छे से यहाँ पर पैक करके अंदर इसको रख देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हम डबल टेप लगा देंगे, जिससे हमारा अंदर से कहीं से हिलेगा नहीं। अच्छे से इसको यहाँ पर टाइट कर देंगे, तो ये बहुत ही कम खर्चे में बन जाएगा आपको। मार्केट में आप बनवाने जाएंगे तो 200 250 150 ले सकते हैं। अगर ये घर पे बनाएंगे तो आपको एक केवल अडाप्टर लेके लगाना है, वो भी इस वीडियो को आप देख के बना सकते हैं। तो दोस्तों अब इसको यहाँ पर हम करते हैं फिट। तो इसको जैसे निकाले थे वैसे इसको यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा इसके कैप को। ये 45 वाट का फ्लड लाइट था, इससे ऊपर 50 वाट आता है, 100 वाट आता है, इससे नीचे 30 वाट 35 वाट, मतलब कई वाट के आते हैं। तो जितने वाट का ये अडाप्टर आपका फ्लड लाइट रहेगा उतने वाट का आप अडाप्टर लगा दिए। तो अडाप्टर को रिपेयर करने में बहुत दिक्कत होता है, तो नया लगा लेने से अच्छा रहता है। तो यहाँ पर इसको हम जैसे निकाले थे वैसे इसको हम यहाँ पर पैक कर देंगे, और यहाँ पर इसको हम सप्लाई देते हैं। यहाँ पर हमारा प्लग लगा हुआ है, अभी इसको यहाँ पर हम सप्लाई देखते हैं जलता कि नहीं। तो देखिए फर्स्ट क्लास रोशनी दे रहा है, आप दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए दोस्तों। इसी तरह आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहेगी, जिससे आप इसको घर पर रिपेयर कर सकते हैं। यही हमारा अडाप्टर जो है, यही हमारा अंदर से ख़राब हो गया है, इसके अंदर सारे कंपोनेंट लगे हुए हैं, इसको निकालने में बहुत दिक्कत होता है, इसलिए अडाप्टर को अलग से मार्केट में लाना होता है और लगा लेना है। तो इस तरह से आप रिपेयर कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से हम कई हैलोजन को बनाया हूँ, तो ये हमारा अडाप्टर ख़राब पड़ा हुआ है, निकला हुआ है, इसको रखे हैं। तो ये अडाप्टर को आपको मार्केट में मिल जाते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, किसी भी दुकान पर ले सकते हैं दोस्तों। तो अब इसको हम यहाँ पर इसके सारे स्क्रू को लगा के अब अच्छे से कस लेंगे, और ये हमारा बन के तैयार हो गया है। सिस्का कंपनी का फ्लड लाइट है, किसी भी तरह का एलईडी बल्ब हो इसको रिपेयर कैसे करना है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हम आपको बताएंगे। हमारे वीडियो चैनल पे आपको इस तरह के वीडियो मिल जाएंगे दोस्तों। तो चैनल पे बने रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।